जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सोलर बेस्ड ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। पहले आप एक 18 इंच लेंथ 18 इंच वेट का एक किसी भी टाइप का प्लेवुड या एनी हार्ड सीट अरेंज कीजिए। उसके बाद हमारा जो बॉक्स मिला है आपको, उसको खुलने के बाद आपको ये टाइप का एक पेपर मिलेगा। देन वो बोर्ड में पहले फेबिगम या फेबिक्विक लगा के पेपर को चिपका दीजिए। देन 2 घंटे तक वेट कीजिए उसको सूखने के लिए। अभी चेक कीजिए पेपर सूखा कि नहीं। अगर सूख गया है तो जहाँ जहाँ मार्क किया गया है उसी हिसाब से बॉक्स से जो सामान है उसे निकाल के जहाँ जहाँ पर मार्क किया गया है वहाँ पे चिपका दीजिए, जैसे कि घर, पेड़, सोलर पैनल, कंटेनर एट्सेट्रा। अभी कंटेनर में थोड़ा पानी डालिए और जो छोटा छोटा कप जो है एक में ड्राई सेल और दूसरे में वेट सेल रख लीजिए। सर्किट में बैटरी लगा के स्विच ऑन कर लीजिए। स्विच ऑन करने के बाद सर्किट में जो मॉइस्चर सेंसर लगा है अगर वो बाहर या ड्राई सेल में है तो पंप स्टार्ट हो जाएगा। एंड इरिगेशन कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकली मॉइस्चर सेंसर के पास पानी पहुंचने के बाद पंप ऑफ हो जाएगा। अगर मैं अभी मॉइस्चर सेंसर को वेट सॉइल में इंसर्ट कर रही हूं तो देखिए पंप ऑफ हो रहा है, मतलब इरिगेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर सॉइल फिर से ड्राई होता है तो पंप अपने आप स्टार्ट हो जाएगा एंड इरिगेशन कंप्लीट होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सारे डिटेल्स बॉक्स में एक प्रिंट आउट के साथ आपको मिल जाएगा। अगर ये मॉडल को आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो उसके सारे डिटेल्स नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।